गौतम भाइयों, जैसे मेरी मिसेज ने कहा और ये तो वैसे सबक हमने सीखा है अपने कायद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यश्कुरुल्लाह मन ला यश्कुरुन्नास, कि वो अल्लाह का कैसे शुक्रिया अदा करे जिसको बंदों का शुक्रिया अदा करना नहीं आता है। जैसे मेरी मिसेज ने कहा, ये नहीं कि आप लोग वहां वाशिंगटन तशरीफ लाए, बल्कि मैंने तो जहां भी मुझे बात करने का मौका मिला, चाहे वो पाकिस्तान था या आजाद कश्मीर था, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब थे या साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे या अपने इमरान खान साहब, काजी हुसैन अहमद, मैं 09 गया वहाँ एमकेएम के हेडक्वार्टर पर कराची में, मैंने उन सबों से कहा कि आपने मेरा नाम तो सुना है कि शायद वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में कुछ काम करते हैं, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि इट वुड हैव बीन एन इम्पॉसिबिलिटी कि वाशिंगटन में कोई काम होता कश्मीर के बारे में, इट वुड हैव बीन एन यूटोपियन आइडिया कि न्यूयॉर्क में कोई कश्मीर का काम होता अगर उसमें आजाद कश्मीर के भाई और बहनों का, अगर उसमें पाकिस्तान के भाई और बहनों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। सवार साहब और बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथी, दे आर विटनेस टू इट कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की ओबामा साहब के साथ मुलाकात थी वाशिंगटन डीसी में, वहां पर हिंदुस्तानी अखबार ने लिखा कोई 600-700 लोग वहां पर मौजूद थे। मैं अपने जहूर वानी साहब की मौजूदगी में आपके सामने ये कहना चाहता हूं, उन 700 लोगों में मकबूजा कश्मीर से आए हुए लोगों की तादाद 5 थी और मैं आई वाज द फिफ्थ वन। लेकिन इतना इंप्रेसिव वो डेमोन्स्ट्रेशन था, और क्यों था? क्योंकि उसमें आपका पार्टिसिपेशन था। ज्यादा आपको ये फरामोश नहीं करना है, शाहीन साहब ने 1989 की बात की, मैं तो 1989 को नहीं, मैं 1983 की बात करूंगा। देन आई वॉज अ स्टूडेंट एट टेम्पल यूनिवर्सिटी, यूएन के सामने मुजाहरा था, अल्लाह ताला सेहत बख्शे अपने मकबूल साहब को, मकबूल साहब थे और मैं था, लेकिन जब आपने देखा वहां 250-300 लोग वहां पर मौजूद थे, तो आप लोगों ने आपसे काम शुरू नहीं किया, 1989 से आपने काम नहीं शुरू किया, बल्कि आपने तब से काम शुरू किया। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जहूर साहब की मौजूदगी में किया, जहूर साहब और मैं भूल चुके थे कश्मीर के मसले, मकबूजा कश्मीर के लोग भूल चुके थे मसले कश्मीर को, और आप लोगों ने उसको दिखा रखा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो जज के अल्फाज है, क्योंकि जज के अल्फाज है, मैं तो मिसकोट नहीं करना चाहता हूँ, मैं कभी नोट्स नहीं लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने नोट्स रखे हैं और ये भी जज के अल्फाज है, वो यहाँ पर वकील साहब मौजूद है। जज का जो जजमेंट था उसने आप लोगों का तज़किरा 2 दफा किया, ही मेंशन ट्वाइस कि ये जो यहाँ पर लोग मौजूद है वहां पर कौन लोग मौजूद थे। यस डेफिनेटली देयर वर माशाल्लाह वेरी गुड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द वैली, जो लॉस एंजलस से, ओहायो से, न्यूयॉर्क से और पेंसिल्वेनिया से और कैंसस सिटी से, शिकागो से और कहां कहां से नहीं आए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वर फ्रॉम आजाद कश्मीर। तो इसलिए खुदा की कसम इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं, जैसे मैंने कहा यह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उस सुन्नत को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब वाका तो पेश आया, लेकिन इस वाके ने हमें क्या सिखाया?
एक बात मैं यहां वादा करना चाहता हूं, चौधरी साहब आपने बहुत अच्छी बात की और ये कहा कि हम अमेरिकन सिटीजन हैं, उसमें बिल्कुल कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी हैव राइट्स बट एट द सेम टाइम वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सरदार सवार खान, आपको कश्मीरी कौम मुबारकबाद पेश करती है जो आपके जज्बात हैं। लेकिन जब अमेरिका लीबिया गया, वहां पर उसको कांग्रेस की इजाजत थी। जब अमेरिका इराक गया, वहां पर उसको अमेरिकन कांग्रेस की इजाजत थी। तो वो जो काम अफगानिस्तान में हो रहा है, यू मे नॉट लाइक इट, आई मे नॉट लाइक इट, लेकिन वहां अमेरिका इलीगल नहीं है, वहां अमेरिकन कांग्रेस की उनको इजाजत है। इसलिए हमें इस बात का एतराब करना चाहिए। मुझसे कुछ गलतियां हुई, जैसे सवाल साहब ने कहा रजिस्टर करना चाहिए था, ये अमेरिकन लॉ है, नहीं किया, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन देखना यह भी कि इसे काज को हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ। दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एज अमेरिकन, वी आर अमेरिकन ऑफ कश्मीरी ओरिजिन, वी आर अमेरिकन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। यानी शाहीन साहब ने कुछ बातें ये की, तो बल्कि आपसे बहुत सारे लोग यहां पर हमारे वो डेलीगेशन में जाते थे, जब हम मुख्तलिफ एम्बेसडर्स वगैरह से मिलते रहते थे। मैं तो 1000 से ज्यादा सुपरा से मिला हूं, 1000 से ज्यादा सुपरा से मिला, जबकि पूरी दुनिया में 193 कंट्रीज। तो फिर 1000 से कैसे मिला? क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं ना, हर 3 साल बाद। हम तो नहीं बदलते, हम हर एक एम्बेसडर से मिलते हैं। हम वाशिंगटन मिलते हैं, न्यूयॉर्क में मिलते हैं, जिनेवा में मिलते हैं, वियना में मिलते हैं, जहां जहां मौका मिलता है मिलते हैं। यानी अल्लाह की कसम, आई कुड नॉट बिलीव माय आईज एंड ईयर्स। मेरी मुलाकात थी चाइनीज एम्बेसडर के साथ इन वाशिंगटन, देन ही बिकेम द फॉरेन मिनिस्टर। वैसे भी अगर चाइनीज फर्स्ट सेक्रेटरी हो या सेकेंड सेक्रेटरी हो या थर्ड सेक्रेटरी हो, वो तो हमारे बादशाह के बराबर है भाई। बट द एम्बेसडर ऑफ चाइना टू वाशिंगटन, उनके साथ मेरी मुलाकात। प्रेसिडेंट क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट, डॉक्टर मैडलिन ऑलब्राइट वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसी दिन वहां प्रेसिडेंट का इंतकाल हुआ चाइना में, आई थिंक हिज नेम वाज लीपिंग। तो उन्होंने वहां अनाउंस किया कि यहां कोई नहीं आ सकता है, नो हेड ऑफ द स्टेट, नो फॉरेन डेलीगेशन टू चाइना। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द कंडोलेंस, यू शुड गो टू द रेस्पेक्टिव एम्बेसीज ऑफ योर कंट्री। सो द अमेरिकन डेलीगेशन वाज देयर बाय डॉक्टर मैडलिन ऑलब्राइट, वो वहां कनेक्टिकट एवेन्यू पर गई और वहां पर वो रजिस्टर वगैरह जो था। तो आई कॉल द चाइनीज एम्बेसी, तो मैंने उसे कहा I would like to talk to the secretary of the ambassador. मैंने उनसे कहा I understand, मेरी आज appointment है, but I would like to express the condolences first. And secondly, I understand, so we can have a meeting next time. तो उसने मुझे कहा कि wait for a minute, I want to see whether you have an appointment or not. After a few seconds, उसने कहा your appointment stands, you should come. तो मैं गया वहां, कोई 50-60 लोग, उस वक्त उनकी छोटी एम्बेसी, आज तो माशाल्लाह वाशिंगटन बल्कि मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी होगी यहां वाशिंगटन में, बट दैट टाइम दे हैड अ वेरी स्मॉल एम्बेसी। वो एम्बेसी से बाहर इस साइड में कोई 100 लोग थे, इस साइड में 100 लोग थे चाइनीज, सो दे वर रिसीविंग डिफरेंट डेलीगेशंस। तो मैं भी गया, तो मैंने भी वहां पर साइन किया, देन आई वेंट टू द एम्बेसडर एंड आई मेट हिम फॉर 30 or 35 minutes.
this is one of the greatest countries of the world after United States. Unka badshah ka intikal ho raha hai. There has to be something, not because I was meeting, I was nobody. कि उन्होंने उस दिन जब डॉक्टर मैडलिन आर्बराइट से लेकर मालूम नहीं कितने कितने वहां पर लोग चले गए और उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट को वहां पर कैंसिल नहीं किया. जॉर्ज डब्ल्यू बुश को आप जानते हैं, हमारे बादशाह थे, किंग थे, प्रेसिडेंट थे. 22 फरवरी 2006 का वाकया है. एशिया सोसाइटी ने उसको रिसेप्शन दिया वाशिंगटन में, उसका हेडक्वार्टर यहाँ है लेकिन दे हैव एन ऑफिस इन वाशिंगटन. And next day he is leaving for India as the President of the United States. I am a member of Asia Society, I got the invitation. वहाँ पर उसने वो बात कही जो कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कभी नहीं कही, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इवन टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग टू वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर का हल तलाश करें. दिस इज ऑफिशियल पॉलिसी इवन टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग टू. और उन्होंने 22 फरवरी 2006 को कहा कि हमें कश्मीर का वो हल कबूल है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कबूल होगा. मैंने वो नोट्स लिखे हैं, 11:21 पर वो वापस निकल आए वहां से. इट वॉज मे फ्लावर होटल इन वॉशिंगटन. आई कॉल्ड यूसुफ साहब, मैंने कहा बाद साहब आज बहुत अजीब बात हो गई. बाय द वे यूसुफ साहब, मैं अल्लाह ब्लेस हिम, ही इज द लिविंग एनसाइक्लोपीडिया ऑन कश्मीर. कश्मीरी नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करना चाहिए बाद साहब को. इतना उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए. उन्होंने किताब तो पब्लिश नहीं की है लेकिन उनकी एक किताब इस्लाम की कंट्रीब्यूशन पर है. मैं अल्लाह की को हाजिर नाजिर रखते हुए कहना चाहता हूं, जब भी बस साहब, आप कभी देखिए सवार साहब, जब भी बस साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं उनकी आंखों से आंसू आते. कमाट वो इतने आर्टिकुलेट हैं, उसकी पूरी बोलती बंद हो जाती है, इतना उसका इश्क है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा बाद साहब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि हमें कश्मीर का वो हक कबूल है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को कबूल है, हमें तो उसने एक्सक्लूड किया. इमीडिएटली उसने मुझे कहा और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश से. मैंने कहा लेकिन बाद साहब वो तो अमरीका का ही बादशाह नहीं है, वो तो पूरी दुनिया का बादशाह है, उसने हमें निकाल दिया तो हम तो निकल गए. क्या आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला की हम पर कितनी मेहरबानी है, कश्मीरियों पर अल्लाह की कसम. यानी प्रेसिडेंट ने शायद वो गलती की दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर, तो व्हाइट हाउस उसे कहा था, स्टेट डिपार्टमेंट उसे कहा था, पेंटागन उसे कहा था ठीक है ये हमारी पॉलिसी नहीं है, गलती तो होगी तो होगी, चलो आप खामोश रहे. विद इन लेस देन टू आवर्स एग्जैक्ट मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है व्हाइट हाउस का. 11:21 पर वो निकल आए मेफ्लावर से और 1:11 पर उसने इंडियन प्रेस को वहां पर व्हाइट हाउस इनवाइट किया. इंडियन प्रेस को, पाकिस्तानी प्रेस को नहीं, पाकिस्तानी प्रेस को भी वहां इनवाइट किया लेकिन 2 बजे 1:11 पर इनवाइट किया. उसे कहा कि लेट मी क्लियरिफाई, दिस इज द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश. इसलिए मेरे भाइयों आपको फिक्र करनी नहीं चाहिए कि फाई के साथ क्या हुआ, अफराद के साथ तो कुछ भी होता है लेकिन अगर कॉज की सेंटिटी नहीं है अफराद कुछ नहीं कर सकते. 1:11 पर उसने कहा और कोई सवाल नहीं हुआ. इट इज नॉट इन रेस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, नो, उसकी ओपनिंग रिमार्क्स है. लेट मी क्लियरिफाई व्हाट आई सेड एट द एशिया सोसाइटी एंड लेट द होल वर्ल्ड लिसन. उनके अल्फाज है मेरे नहीं, लेट द होल वर्ल्ड लिसन.
who will accept that solution of Kashmir, which is acceptable to India, Pakistan, and the people of Kashmir. आप अंदाजा लगाए कि ये दो घंटे के अंदर कितनी वहां पर हलचल मची होगी व्हाइट हाउस में कि ये आपने क्या किया भाई, ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है, उसके क्या असरात है, उसके क्या इंप्लीकेशन है, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली दे नो दैट दिस इज अ ब्लंडर और उसने उसको कनेक्ट किया और हमारे फेवर में बात की। मैं प्रेसिडेंट ओबामा की वो बात नहीं करना चाहता हूं जो उन्होंने एज कैंडिडेट की, वो तो आपको पता ही है, लेकिन व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू न्यू दिल्ली में वो थे और आई वाज इन जिनीवा और दिल्ली में उसने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के सामने खिताब किया और उसमें उसने कहा कि हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए और उसकी कोई कंडीशन नहीं है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बॉब वुडवर्ड जो अमेरिका का नामवर सहाफी है, बॉब वुडवर्ड, उसने अपनी किताब ओबामा वॉर में लिखा है कि मैं ओवल ऑफिस में था, ओवल ऑफिस से वेरी प्रेस्टीजियस लोकेशन विद इन द व्हाइट हाउस और ओबामा ने मुझे कहा, ये किताब में उसने कहा भाई बाबू डोर ने ओबामा साहब के हिंदुस्तान जाने से पहले कहा, ओबामा साहब ने मुझे कहा कि ये हिंदुस्तान को हक पूछता है भाई, ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने लेकिन हमें कश्मीर का प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर है वहां पर उसने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात तो की लेकिन कश्मीर का तस्करा नहीं किया। आई वॉज इन जिनीवा, आई वॉज वॉचिंग इट लाइव। मैंने कहा आज तो हम खत्म हो गए, इतना आज उसको लिंक करना चाहिए था सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को कश्मीर के साथ, तो हम और सिवाय दुआ के और क्या कर सकते भाई। बट आई वॉज ऑनेस्ट टू गॉड, आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। देन अगेन विद इन लेस देन एट आवर्स Before coming to Washington D.C., he has a joint press conference with Dr. Manmohan Singh. That is what is important. Uske left hand mein he is the Prime Minister of India, right standing. Jabki Prime Minister of India ne kai dafa kaha hai ki Kashmir is the integral part of India. Kai dafa kaha hai. Aap protocol mein to ye nahi hai ko kahega aap galat bol rahe hain, aap jhoot bol rahe hain. Just right in front of him, let me quote, वैसे भी quote तो हमेशा सही होना चाहिए, मोहसिन साहब. कोर्ट तो सही होना चाहिए लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का कोर्ट हो इट हैज टू बी रियली टू द पॉइंट। उसने कहा राइट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डिस्प्यूटेड टेरिटरी दैट मीन इट्स नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन मच मोर इंपॉर्टेंट देन दैट जो आप और मेरे और अमेरिका के फेवर में बात जाती है, उसने कहा कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर, एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा, द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द रीजन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मेरे भाइयों आपको इस बात पर क्यों फिक्र है, खुद ओबामा साहब कहते हैं कि कश्मीर का जो हल है इट गोज इन द नेशनल सिक्योरिटी इश्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अल्फाज है और दिल्ली में उसने कहा, आप क्यों शर्माएंगे और मैं क्यों शर्माऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमसे गलतियां तो होती हैं, हमसे गलतियां हो गई, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो कश्मीर की काज की सेंटिटी है उस पर कोई जख्म नहीं पहुंचा। 3 महीने पहले की बात है, एक हिंदुस्तानी साफी ने जो तर्जमान है स्टेट डिपार्टमेंट की, मिस नोलन, उसे पूछा ये जो यहाँ नक्शा है, हालांकि वो नक्शा वहां तो आप लोगों ने देखा होगा, वो तो वहां पर साला साल से है, मैं तो कोई 20 साल से उसको देखता हूँ वहां, महाराज उसने कहा ये जो नक्शा है यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस है इंडिया पाकिस्तान और ये डॉटेड लाइंस है कश्मीर, ये डॉटेड लाइंस व्हाट डज दिस डॉट 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 मीन। उसने कहा दिस डॉट मीन दैट कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी।
ये 1947 की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं अभी फरवरी की बात कर रहा हूं, बल्कि मार्च में ये हुआ। आप दिस ईयर उस पर दूसरे साहबी ने कहा, हिंदुस्तानी साहबी ने, अगर आप कहते हैं कश्मीर जिसमें की टेरिटरी, एग्जैक्ट अल्फाज है भाई, यानी अल्लाह का शुक्रिया अदा करो भाई, जितना भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे आप कश्मीर काज के लिए बिल्कुल कम है। तो उसने कहा आप कहते हैं कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो हिंदुस्तान तो नाराज होगा। उसने कहा बट दैट इज अवर पॉलिसी, बट दैट इज अवर पॉलिसी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि काज का जो तकद्दस है वो तो कम नहीं होता है, ज्यादा होता जा रहा है। ये जो मैंने कहा कि मैंने कुछ नोट्स लाए हैं, वो ये एक ही आधा पेज है, और वकील साहब यहाँ पर मौजूद है, जहूर साहब, ये जज साहब के अल्फाज हैं, एग्जैक्ट अल्फाज हैं, क्योंकि अभी तो मैं उन्हीं के हाथ में हूँ ना भाई भाई। तो वैसे मैंने कहा मिसकोट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि जज साहब के अल्फाज हैं तो आई वांट टू टेल यू एग्जैक्ट। गलतियाँ तो ज़रूर हुई, जैसे शाहिन साहब ने कहा, सुहाब साहब ने कहा, और लोगों ने कहा, जहूर साहब ने कहा, बल्कि कल नदीम साहब भी मुझे कह रहे थे कि जज ने जो एतराफ किया, क्यों एतराफ किया भाई, जज को क्या मजबूरी थी कि वो कहता कि कश्मीर का काज जो है बहुत बड़ा काज है। उसने कहा, लेट मी टेल यू एग्जैक्ट कोट, आई डू नॉट फॉर अ मिनट क्वेश्चन दैट मिस्टर फाई इज अ ट्रू पैट्रियट ऑफ कश्मीर। मुझे कतन इस बात पर कोई शक नहीं कि ये कश्मीर के लिए, उसके लिए मोहब्बत से काम करता है, कश्मीर काज के लिए। आई डू नॉट डाउट जज साहब, आई डू नॉट डाउट योर लव फॉर कश्मीर एंड इट्स पीपल, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन योर राइटिंग्स, and it is reflected by the people that are here. That exactly I was going to tell you. जाइए कहा कि आपका जो मोहब्बत, आपकी जो मोहब्बत है कश्मीर और कश्मीरी आवाम के साथ, ये जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और ये जो आपकी राइटिंग्स है, राइटिंग्स में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये तो पर्सनलाइज नहीं है, बल्कि क्योंकि इशू ही मेरे खिलाफ है। जो मेरी वकील ने वहाँ पर बात की, आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, मेरे खिलाफ तो क्या चाह रहे था कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूं, मैं पाकिस्तान के लिए काम करता। मैंने डे वन से कहा, यानी खुदा की कसम, बाल का बात करते हैं लेकिन अंदर से आप शेकी हो जाती है। मेरे हाथ दोनों बंद थे, उसको क्या कहते हैं लीगल टर्म में, हैंड का, और अपने घर में बैठा हुआ था। अल्लाह ने कुछ चीजें जहन में डाली, मैंने उनको बताया, क्योंकि मुझे खुदा की कसम कुछ पता नहीं था कि नेचर क्या है। ऑल्दो दे वर वेरी प्रोफेशनल, ऑनेस्ट टू गॉड हाईली प्रोफेशनल, वेरी सिविलाइज्ड, क्योंकि इमीडिएट उन्होंने मुझे कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट एज द एजेंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। उसके बाद मुझे घर लाया, वहां पर मैंने उनसे कहा, क्योंकि सितंबर 11 के बाद तो कुछ भी हो सकता है ना, यू नेवर नो, इट कुड बी अ मैटर ऑफ टेररिज्म, इट कुड बी एस्पियोनेज, इट कुड बी एनीथिंग। मैंने उनसे कहा कि मैंने 3000 से ज्यादा प्रेस रिलीज और आर्टिकल लिखे हैं विद इन द पास्ट 21 इयर्स, 3000 से ज्यादा, और मेरे प्रेस रिलीज जो है वो सिर्फ अमरीका, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर के अखबार में नहीं, इंटरनेशनल प्रेस में छपे, और मेरे इतने तकारीर हैं, 400 से ज्यादा वीडियो टेप हुए हैं। मैंने उनको कहा, और बल्कि मेरी वकील ने तो वो बात कोर्ट में लिखी, मैंने कहा एक आर्टिकल से आप ये साबित नहीं कर सकते हैं, एक प्रेस रिलीज से आप ये साबित नहीं कर सकते हैं, एक तकरीर से आप ये साबित नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान की वकालत कर रहा था, मैं वकालत कर रहा था कश्मीरी आवाम की, और उस कश्मीरी आवाम जो हक है, उस कश्मीरी आवाम का जो हक है वो इसलिए उनको दिया गया है कि इट वॉज नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे सवाल साहब ने कहा, हैरी ट्रूमैन,
जिसने अपने एम्बेसडर से कहा कि वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन लिखें, यानी कि स्पॉन्सर करें, लिखें। उसने लिख दिया उसको रेजोल्यूशन नंबर क्या है 47 ऑफ 1948 जो अप्रैल 24 ऑफ 1948 को अडॉप्ट हुआ। बल्कि मेरे वकील ने वहां पर कहा, वहां जज साहब को, प्रोसिक्यूटर को, कि आपके पास 3.5 लाख, मेरे भाई और बहनों, अल्लाह मैंने सिर्फ 1,40,000 पैगंबर भेजे। उसने कहा आपके पास 3.5 लाख इंटरसेप्ट हैं और आपने 90,000 से ज्यादा इनकी कॉल को इंटरसेप्ट किया, कॉल्स को, टेलीफोन कॉल्स को, लेकिन आप क्या 1 लाख से यह साबित कर सकते हैं? कोर्ट के अंदर मेरी वकील ने प्रोसिक्यूटर से कहा 1 लाख से आप यह साबित कर सकते हैं? वो पाकिस्तान की वकालत कर रहा था, ये तो कश्मीरी अवाम की वकालत कर रहा था। तो इसलिए मैं आपसे, मैं बहुत खुश हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान नेशनल पार्टीज की लीडरशिप है। मैं चौधरी साहब के साथ वहाँ इस्लामाबाद में था, ये शायद भूल गए होंगे, तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब को इसी कॉल आए, प्रेसिडेंट जरदारी, आज का नहीं, उस वक्त जब वो अभी शायद 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, मुझे एक पीपल्स पार्टी के लीडर ने डिनर पर बुलाया, तो ये भी वहां पर थे, जरदारी साहब ने इसको कॉल किया। नवाज शरीफ साहब जब यहाँ आए तो किसी से, किसी को पता नहीं, एज ए प्राइम मिनिस्टर किसी को पता नहीं वो गए कहाँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो शाहीन साहब के साथ कहीं किसी बोट में सवार थे, रुदास साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ इन दो पार्टी की दो बातें आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि कश्मीर काज के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नहीं, पूरे पाकिस्तानी आवाम का जो हमारे साथ है, लेकिन उनकी लीडरशिप का भी सपोर्ट होना चाहिए। ये जो आप बार बार सुनते हैं, सैयद अली गिलानी साहब आल पार्टी हुरियत काउंसिल के चेयरमैन है, मिर्वाज उमर फारूक साहब आल पार्टी हुरियत काउंसिल के चेयरमैन है, आल पार्टी आल पार्टी आल पार्टी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आल पार्टी हुरियत काउंसिल जो है ये तो बिल्कुल जीरो होती, जीरो होती, जीरो होती अगर बेनजीर साहिबा ने दिसंबर ऑफ 1994 में कैसा ब्लांका में, ये भी मैं आपको कहूं, मेरे कहने पर मैं जब वहां पर पहुंचा, मुनीर अकरम साहब एम्बेसडर, मुनीर अकरम फॉरेन ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरी, जब मैं वहां पूछा, उसने कहा फाई साहब बड़ा प्रॉब्लम। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहा कि ये जो कैसाब्लांका डिक्लेरेशन है उसमें कश्मीर को इंक्लूड नहीं करना चाहते। मैंने कहा अगर मैं होता ये तो कोई बात नहीं, लेकिन कल तो मीरवाइज साहब और अब्बास अंसारी साहब ही आ रहे हैं और पहली दफा वो आ रहे हैं हुरियत के चेयरमैन की हैसियत से, वो कैसाब्लांका डिक्लेरेशन में कश्मीर का नाम ही नहीं, तो काम कैसे होगा भाई? उसने कहा फिर आप नवाबजादा नसरुल्लाह खान से मिले। उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, और ये जो आजकल फॉरेन सेक्रेटरी है जलील अब्बास गिलानी, ये उनके शायद रिश्तेदार भी थे। तो मैं इनके पास गया, इसे कहा चलो नवाब साहब के साथ जाते हैं। नवाबजादा साहब ने कहा चलो बेनजीर साहब के पास जाते हैं। मैंने कहा मोहतरमा मीरवाइज साहब कल आ रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। अच्छा मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, ये तो मुझे पता है कि कैसा कला का डिक्लेरेशन में नाम भी आया, दो पैराग्राफ भी आए, एपीएससी को ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला, कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप ओआईसी का एस्टैब्लिश भी हुआ, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो कैसे हुआ। जब मैं दुबई में था, बेनजीर साहिबा से मेरी मुलाकात हुई लंच के दौरान, उन्होंने मुझे कहा आपको मालूम है फाई साहब वो जो कैसा ब्लांका में आप मेरे पास आए, फिर क्या हुआ? मैंने कहा वहां तो आप इतनी बिजी थी पता नहीं, और खुदा की कसम आप तो वो डिपेंड तो नहीं कर सकते आपने आपको, लिहाजा वही बात कहनी चाहिए, बिल्कुल सच होनी चाहिए। उसने कहा वो ये हुआ, मैंने अपने ऑफिस से कहा ये जरा प्रिंस सऊद फैसल को मेरे पास लाए, सऊदी अरब का जो फॉरेन मिनिस्टर, कहा प्रिंस सऊद फैसल मेरे पास आया, वो कह रहे थे आयरन कार्ड्स आयरन, तो मैंने उसे कहा कि जरा ये किंग के पास जाओ, मोराको का तो बादशाह किंग है ना, बादशाह तो किंग ही होता है, कहा कि ये किंग के पास जाओ, उसे कहा कश्मीर पर हमें मदद करो। कहा इतवा सऊद फैसल,
جس کو میں نے بھیجا ان کے پاس دین ایوری تھنگ واز وہ آبزرو اسٹیٹس وغیرہ ہوتا ہے. دسمبر آف 1991 آئی ایم ان ڈکار سینیگال. میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان رشید احمد صاحب شیخ رشید صاحب آئی تھنک ہی واز ون آف دا منسٹرز وہ بنے دا سیم ہوٹل. جب میاں صاحب کی تقریر ہوئی اٹ واز آنےسٹ ٹو گاڈ اٹ واز مور دین 65% آن کشمیر. جب اس کی تقریر ختم ہوئی میں ان کے پاس گیا گلے ملا میں نے کہا میاں صاحب آج آپ نے واقعی کشمیری عوام کی جذبات کی ترجمانی کی. مجھے کہا میں بھی کشمیری ہوں بھائی آئے. میں سمجھا یہ مجھے کہا تھا آئے چائے پیتے ہیں باہر. جب ہم آڈیٹوریم سے باہر آئے تو اس نے شیخ رشید سے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کا پاسپورٹ لیا. میں نے کہا پاسپورٹ کا کیا کرنا ہے بھائی. اس نے کہا کہ میرے ساتھ آپ اس وقت اس کے پاس چارٹر تھا بھائی چارٹر جہاز. میں نے کہا مجھے کل جانا ہے عمرہ کے لیے. اس نے کہا نہیں آپ پاکستان جاؤ. مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اگر ان کا یہ کنٹریبیوشن نہیں ہوتا تو اس وقت کشمیر کی وہ سچویشن نہیں ہوتی جو ہے. ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی لیکن آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے 5 فروری کی بات کی شاہین صاحب نے. نو ون نوز اٹ 5 فروری کیسے یہ ڈیٹ طے ہوئی. نو ون نوز. آج میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اور پریس والے اس کو نوٹ کریں. ڈاکٹر ایوب ٹھاکر صاحب اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے. ایوب ٹھاکر صاحب وہ اور میں اسلام آباد میں. شہباز شریف نے فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میاں صاحب واز دا چیف منسٹر آف پنجاب ناٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ہی واز دا چیف منسٹر آف پنجاب. میں نے کہا کہاں. اسے کہا کہ آپ چلیے وہاں پر پنجاب ہاؤس میں وہاں ملتے. وہاں پر قاضی حسین احمد تھے کیونکہ اس وقت میں ماشاء اللہ بہت قریب بہت ہی قریب قاضی حسین احمد تھے, میاں صاحب تھے, شہباز شریف تھے اور ڈاکٹر عمر نصیب جو اس وقت کنگ کے مجلس شورا کے رکن تھے اور وہ جدہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے اور ڈاکٹر یو جو مائن تھے. اس سے بات بات میں باتیں ہوئی کہ کیوں نہ کشمیر پر ایک دن مقرر کرے. تو میاں صاحب نے کہا کون سا دن. میں نے کہا 5 فروری بھی ہے 13 اگست بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسے کہا 5 فروری تو گیا ہے کیونکہ 5 فروری کے بعد ہم بات کریں, 5 جنوری کے بعد ہم بات کریں. 5 جنوری تو گیا ہے, 13 اگست بہت دور ہے تو کوئی ڈیٹ ہم طے کرتے ہیں. وہاں یہ 5 فروری ویسے اس کی کوئی ہسٹوریکل امپورٹنس نہیں. تو اس میں I think it was someone other than Dr. Ayub and me and Shahbaz Sharif. I think there was one more person. Usne kaha ki lekin isme Prime Minister of Pakistan ka bhi involvement hona chahiye warna ye one sided ho jayega. To wo jo third person I don't recall his name aur mere zehen mein bhi nahi aa raha wo kaun tha. Usne kaha I am going to talk to Prime Minister of Pakistan. Then you know that it became the national issue. So that is the story of February 5th of every year. جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں وہ یہ ہے, کشمیر کی جو قیادت ہے سید علی گیلانی صاحب ہوں, میرواز احمد فاروق صاحب ہوں, محمد یاسین ملک صاحب ہوں, شبیر احمد شاہ صاحب ہوں, یہ ہماری لیڈرشپ ہے. اس میں کوئی آپ کو ایمبیگیوٹی نہیں ہونی چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو بہت امپورٹنٹ بات آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی کہے سید علی گیلانی صاحب جو ہمارے مربی بھی ہیں, ظہور صاحب کو معلوم ہے ہم ان کو کتنا احترام کرتے ہیں, وہ بھی اگر آپ کو یہ 3 باتیں بتائے گا آپ ان کو میری طرف سے کہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نو میٹر ہو ٹیلز یو دیز 3 تھنگز ٹیل ہیم یو آر ٹیلنگ دا لائی. نمبر 1 کہ کشمیری قبول کریں گے لائن آف کنٹرول ایز این انٹرنیشنل بارڈر. جو بھی یہ کہے گا آپ کہیں گے یو آر ٹیلنگ اے لائی. اینڈ دین آئی ول ٹیل یو وائی آئی ایم سو کانفیڈنٹ کہ یو کین ٹیل ہم یو آر ٹیلنگ اے لائی.
دوسری بات یہ کشمیری کوئی بھی ایسا سولوشن ایکسپٹ کرے جو ہندوستان کے آئین کے اندر ہو, ٹیلنگ دیٹ یو آر ٹیلنگ ایٹ لارج. اور تیسری اور اہم بات, اگر کوئی کہے کہ کشمیر میں دیکھیے 20 اور 21 سال سے تحریک چل رہی ہے, کشمیری تھکا ہوا ہے ٹیلنگ یو آر ٹیلنگ ایٹ لارج. اب میرے پاس پروف کیا ہے؟ میرے پاس پروف ہندوستانی صحافی, اور تین میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, دو ہندوستان کی ہے اور ایک برطانیہ کی, اور آج بھی مثالیں نہیں ہیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ مائل سٹونز ان دا ہسٹری آف کشمیر. ایک مثال ہے منتھلی آؤٹ لک ہندوستان کا ایک میگزین ہے, انہوں نے سروے کیا مقبوضہ کشمیر میں 2004 کو, جو یونائٹڈ نیوز آف انڈیا نے 5 نومبر 2004 کو ریلیز کیا. وسن صاحب بہت سوال تھے, ایک سوال تھا اردو میں کوسچن تھا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے, آپ کیا چاہتے؟ آؤٹ لک میگزین میں گوگل پر جاؤ, گوگل ابھی آپ کو بتائے گا, گوگل جانتی ہے نا مسز گوگل, آپ کیا چاہتے؟ منتھلی آؤٹ لک کی سروے جو یونائٹڈ نیوز آف انڈیا نے 2004 کو ریلیز کیا, 78% لوگوں نے کہا آزادی, آزادی 78% لوگوں نے. اب میں کہوں گا وہ تو 2004 میں تھا, اب تو تھکا ہوا ہے. بائی جان 2007 میں, ایگزیکٹ 3 سال کے بعد 2007 میں ہندوستان ٹائمز, سی این این, آئی بی این, انہوں نے ایک اور سروے کیا, آپ کیا چاہتے؟ 3 سال کے بعد, اور وہ سروے August 13, 2007 کو ریلیز ہوا, ایگزیکٹ 3 سال کے بعد, آؤٹ لک 78%, ہندوستان ٹائمز, سی این این, آئی بی این, 87% لوگوں نے کہا آزادی, 87% لوگوں نے کہا آزادی. اب آپ کہیں گے وہ تو 2007 میں تھا, آپ تو لوگ تھکے ہوئے ہیں. 2010 میں اگین 3 ایئرس لیٹر برطانیہ کا جو چیتم ہاؤس ہے انہوں نے سروے کیا, میں اس کے ڈائریکٹر سے ملا وہاں لندن میں, بٹ اینی وے دیٹ سروے واز ریلیز بائی بی بی سی آن May 27, 2010, ایگزیکٹ 3 سال کے بعد. میرے بھائیو اور بہنوں, کین یو بلیو اٹ, خدا کی قسم 2010 تو کوئی اینشنٹ ایج تو نہیں ہے, ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں چیتم ہاؤس کی جو سروے, 90 to 95% دے وان آزادی. فوڈ ڈائریکٹر نے مجھے کہا کہ ہم نے ایک اور سوال پوچھا, 2010 کی بات ہے, کہ اسٹیٹس کو کے بارے میں آپ کی کیا رائے. اسٹیٹس کو کا مطلب یہ کہ جو ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے, جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. اور یہ جو سوال ہے اسٹیٹس کو کے بارے میں, یہ نہ صرف جموں, لداخ, وادی, بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی پوچھا گیا. اسٹیٹس کو کے بارے میں پورے ریاست جموں کشمیر میں پوچھا گیا, اکارڈنگ ٹو دا سروے 99.9% دے ریجیکٹ دا اسٹیٹس. اس سے آپ محمد یاسر ملک صاحب کے بھائی بھی, آپ ان کو تعزیت بھی کرنی چاہیے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوگا, انہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں. بھائی بھی یاسر صاحب از دا اونلی لیڈر ان دا ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا, unless my knowledge is very incomplete, in the history of house South Asia, جنہوں نے فزیکلی, یعنی آج تو آپ فیس بک پر جا کر سگنیچر کیمپین چلا سکتے ہیں اور یو کین گیٹ اے ملین سگنیچرس, اس نے فیس بک پر سگنیچرس نہیں لیے, فزیکلی وہ 3500 دیہات میں گئے, گاؤں میں گئے, گاؤں گاؤں گئے, 15 لاکھ سے زیادہ سگنیچرز اس نے لوگوں سے لیے, اور ایک ہی لائن تھی کشمیریوں کو مذاکرات میں شامل کرو. لیکن اگر وہ یاسر ملک صاحب بھی آپ سے کہیں گے, لیکن آپ تو ہم تھکے ہوئے ہیں, آپ کہیں گے یاسر صاحب
ये बात हमें कबूल नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घबराने की बात नहीं, मौके हमारे सामने है, सेल्फ के अफकाल हमारे साथ है, बैन अवी बरादरी की हमें सपोर्ट है। लेकिन जो कई बात भाई ने यहाँ पर बात की, उन्होंने तफसील से बात की कि मैं भी शायद तफसील से बात नहीं करूँगा, वो ये है कि इतिहाद की बात, और इतिहाद की बात हर जगह होनी चाहिए। मैं क्यों छुपाऊँ, क्योंकि यजहूर साहब को तो मालूम है मेरी ज्यादा, वो कहते ना जैसे मुशरफ साहब ने एक दफा कहा था, बात अच्छी की थी लेकिन बाद में वो भूली गए, पाकिस्तान के हर वो शख्स में कश्मीर का खून बह रहा है, कुछ इस तरह की बात होनी थी। मेरी जो ज्यादा राग है वो गिलानी साहब के साथ, सैयद अली गिलानी साहब की बात कर रहा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, अगर आप मोहम्मद यासिन मलिक साहब से बात करेंगे, वो कहेंगे कि फैज साहब तुम मुझसे ज्यादा बात करते हैं गिलानी साहब से। अगर आप मीराज उमर फारूक साहब से बात करें, वो कहेंगे वो तो हमसे ज्यादा बात करते हैं, और इसी तरह से शबीर साहब कहेंगे हम ऐसी बात ज्यादा करते हैं। जो इस सारे काल से हमें एक लेसन लेना है, ये जो मेरा केस हुआ है वो ये है, फॉरगेट अबाउट कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल, फॉरगेट अबाउट कश्मीर मिशन, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फॉरगेट अबाउट पीपल्स पार्टी ऑफ आजाद कश्मीर, फॉरगेट अबाउट जमात समेत एवरीथिंग एल्स। ये ध्यान में रखें कि कश्मीरी आवाम का जो बुनियादी हक है, हक खुद इरादियत, उस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं। तो ये एक चीज जो है, ये जो भी आप जस्ट नाम ले रहे, हलीम खान साहब ये हमारे लीडर है, कैप्टन शाहीन साहब ये हमारे लीडर है, सवा खान साहब ये हमारे लीडर है, नदीम साहब और अपने जहूर साहब और यू जस्ट नेम इट, ये हमारे लीडर है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब जो है खाकी खुद इरादे की हिमायत करते हैं। मैं तो कहता हूँ वेद बसीर हमारे लीडर है, इसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, क्योंकि वेद बसीर साहब आपसे और मुझे ज्यादा हक खुद इरादे की बात करता है। इसलिए यहाँ पर मैं नहीं कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में कश्मीरी अमेरिकन कम्युनिटी ने साबित किया है कि हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से जरूर है, लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। इसलिए सरदार कयूम साहब आए तो साहब ने उसको वेलकम किया, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब आए साहब ने उसको वेलकम किया, और आपने वो कर्नल रशीद साहब जब वो जमात इस्लामी के एमएलए थे यहाँ तशरीफ लाए साहब ने उसको वेलकम किया, और अभी बात हुई थी आपने केएच खुर्शीद साहब की, हमने सबको उसको वेलकम किया। और ये जो आपका जज्बा है ये दायम और कायम रहना चाहिए। और जो अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो भी वकील साहब की है, अगर हमारी काज की सैंक्टिटी नहीं होती भाई, वकील साहब ये जज साहब कहता है आपको तो मैं जेल भेज रहा हूँ भाई, ये तो फैसला है ना भाई, हमने कबूल किया है, लेकिन साथ ही ये कहता है कि आपका काज जो है ना एग्जैक्ट वेरिंग भाई जी भाई गलत बात नहीं करेंगे, वंडरफुल काज है, उनके अल्फाज है वंडरफुल काज है, और वो कहता है कि आई सी नो रीजन, जज साहब के अल्फाज, आई सी नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट कंटिन्यू टू एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर एंड टू राइट, ये उनके अल्फाज है। और आखिर में जो उसने बात की, जो क्लोजिंग बात उनकी भी थी और शायद मेरी भी आज है, उन्होंने वो बात की जो हिंदुस्तान चाहता ही नहीं कि दुनिया में कहीं से वो बात चले। उन्होंने कहा, आई होप, जज साहब के अल्फाज है, आई होप दैट कॉज कंटिन्यूज टू बी आइडेंटिफाइड एज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर। दो साल की बात है या डेढ़ साल की बात है या जो भी बात है, अल्लाह ताला सेहत दे आपको भी और मुझे भी, हम दोबारा मिलेंगे अगर मौका मिले अंदर कुछ काम करने का, कुछ लिखने का। यानी एक चीज जो वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये जो पिछले चार महीनों में मैंने कोई 300-400 पेजेस लिख दिए हैं, तो अंदर भी अगर कोई मौका मिले इंशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं आपसे वाकई खुदा की कसम कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का एजेंट है, कश्मीर के लिए काम नहीं करता है,
तो उसमें अगर कोई बेसिस होती तो वो वॉलंटियरली जो है उसको विड्रॉ नहीं करते, उसको ड्रॉप नहीं करते। लिहाजा आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मोहसिन साहब से मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पर जर्नलिस्ट बरादरी हैं, पाकिस्तान के अखबारात में भाई, पाकिस्तान के अखबारात में जो पीटीआई ने रिपोर्ट किया वही लिखा उन्होंने। भाई मेरे खिलाफ चार्ज जो था कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, वो चार्ज तो उन्होंने वॉलंटरली ड्रॉप किया। आई एम नॉट द एजेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं कोई आईएसआई का एजेंट नहीं, मैं कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट का एजेंट नहीं हूं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने वॉलंटरली विथड्रॉ किया। अब मुझसे कुछ गलतियां हुई टैक्सेस के बारे में, पहले में वो मेरे पर्सनल टैक्सेस नहीं थी, दे वर द टैक्सेस ऑफ कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल। उन्होंने मुझे पूछा आप किसी को जानते हैं पाकिस्तान में, मैंने कहा प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से लेकर आप जनरल कियानी, मैं तो सबको जानता हूं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं उनमें से, वहां मैंने शायद थोड़ी सी खामोशी की, तो मैंने कहा गलती थी ना भाई। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका तकद्दुस है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। हकायक ये है कि मुझे जो बेसिक एलिगेशन था वो ड्रॉप हुआ है, कोई आईएसआई का एजेंट नहीं हूँ, हम द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, ये वकील साहब यहाँ पर मौजूद है। दो गलतियाँ हुई, एक कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल के टैक्सेस के बारे में, और दूसरा ये है कि वो जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें किसी को जानता हूँ तो उसके बारे में, तो उसका जो पेनल्टी है उसको मैंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं आपसे खुदा की कसम बगैर किसी तरफ के कहना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी मेरा दुनिया में, बल्कि वो प्रोसिक्यूटर ने ये भी कहा, ये तो दुनिया में 30-40 ममालिक का जिक्र किया, वहाँ जहाँ कश्मीर की बात की, वहाँ पर जो अल्लाह मियाँ ने हमें ये नियामत दी है कि अमरीका के अंदर हम खुल के बात कर सकते हैं, ये भी मैंने बात की वहाँ पर। सेप्टेम्बर 11 के बाद दुनिया तो बदल गई, लेकिन इतनी भी बात जो आप जानते हैं वहाँ तो मुसलमान फिर भी वहाँ बात कर सके। मैंने अमेरिकन आइडियोलॉजी को, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफेंड किया है, एंड आई एम श्योर दे नो इट। तो इसलिए आप जब मेरी बात करें तो ये ना कहें कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बिल्कुल गलत था, या क्योंकि हमारी भी थी वो भी हमें तस्लीम करना चाहिए। तो आप भाई का, आप भाइयों का, आप बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उन्होंने फरमाया है, ज़्यादा कोई शक नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कोई शक नहीं, ये मेरी अपील है बहनों से और भाइयों से, तकदीरें नहीं बदलती हैं मगर दुआओं से, तकदीरें नहीं बदलती हैं मगर दुआओं से। तो आपकी दुआ साफ होनी चाहिए, आप लोगों ने दुआएँ पहले भी की हैं, लेकिन आप ज्यादा दुआओं की जरूरत है। अल्लाह मियां ने कहा इंशाल्लाह जरूर चाहेगा फिर वापस आएंगे, उस वक्त हम शाहीन साहब के साथ और मिलेंगे, आप आगे से मिलेंगे। मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस द काज ऑफ कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब खाना होगा, मैं गुजारिश है जी के खवातीन पहले जाएंगी खाने की तरफ और उसके बाद मर्द हजरात जो है ना वो तशरीफ ले जाएंगे खाने की तरफ। तो खवातीन से गुजारिश है जी कि वो खाने की जो लाइन है उस तरफ तशरीफ ले जाए।